क्या हाल है दोस्तों। चलो फिर शुरू करते हैं द ट्विन ब्लॉगर की इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बलिनो के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। राइट, आजकल जितनी भी गाड़ियां लॉन्च हो रही है यार, उन सब में ना एक फीचर बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया है और वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये फीचर यार देखने में बड़ा मज़ेदार है, ऑपरेट करने में भी बहुत मज़ा आता है इसे, और बहुत सारे लोगों को ना इसमें प्रॉब्लम भी होती है कि यार मतलब इसको हम ऑपरेट करें कैसे। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होती है, जैसे कि यार मेरे पापा इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उन्हें ना बहुत सारे फीचर्स में समझ नहीं आते कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को मैनेज कैसे करना है। तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगा कि यार ये प्रॉब्लम शायद आप लोगों के साथ भी आती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आपको ए टू जेड इन सभी फीचर्स, इस सभी फंक्शंस के बारे में समझा दूं ताकि आपको भी इजी हो जाए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप यहां पे डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे जिसमें ये सारे बटन्स हैं, अभी फिलहाल ये मैं आपको ए टू जेड चीज़ें इसमें बताता हूँ, ए टू जेड वन बाई वन करके कि ये जो बटन्स है वो कैसे ऑपरेट करना है आपको। देखो इसमें क्या है, एसी जो है ना यहाँ से हमने ऑफ कर रखा है। राइट, तो पहली चीज़ क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फैन टाइप का कुछ बना हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पे छोटा फैन, तो सिंपल सी बात है इसी से आप ये ऑपरेट कर सकते हैं कि ये फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए है और ये फैन की स्पीड कम करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है ये फैन की स्पीड, और आवाज़ से भी आप सुन पा रहे होंगे कि फैन की स्पीड हाई हो चुकी है। राइट, तो ये फैन की स्पीड अप करने के लिए, ये फैन की स्पीड नॉर्मल करने के लिए। राइट, अब उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे एसी लिखा हुआ है। राइट, तो ये एसी का बटन हो गया। तो अगर हम इस, जैसे हमने ये ऑफ किया, ये चलाया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फैन ऑन हुआ। राइट, हमारा जो है ये फैन ऑन हो गया। राइट, तो अगर अभी सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ हमारा ये जो ये वेंट्स है इसमें से हमारी हवा आ रही है। राइट, लेकिन जैसे हम एसी इसको ऑन कर देंगे तो हमारा एसी भी ऑन हो गया और हमें कूलिंग मतलब एयर जो है हमें कूल होके मिलेगी। राइट, तो ये इन तीन बटन की बात होगी। अब अगर हम बात करते हैं मोड की, इसके नीचे अगर आप देखें तो मोड का बटन है। इसमें क्या है कि आप देखें यहाँ पे एक सिटिंग पर्सन की इमेज बनी हुई है। राइट, और इसमें एक एरो सा बना हुआ है, इसका मतलब ये कि जो अभी हमें हवा मिल रही है इन वेंट के थ्रू, ये चारों वेंट के थ्रू ये हमें अप मिल रही है। राइट, मतलब हमारे फेस पे हवा आ रही है, उसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे। अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो देखो ये एरो डिवाइड हो गया है, मतलब ये कि हवा हमारी जो है वो फ्रंट में भी आ रही है और नीचे भी जा रही है पैरों के पास। राइट, उसके बाद अगर हम चेंज करें तो ये सिर्फ हमारा पैरों के नीचे हवा दे रही है। तो ऐसे ही मोड से जो हम चेंज कर सकते हैं, और ये मोड बहुत ही काम का है। ये मोड से क्या होगा कि हमारा जो ये जो हमारी विंडशील्ड के पास हमारी ये जो ये है ना, मतलब ये जो वेंट्स है, ये अगर देखें आप ये जो वेंट्स है इसमें से भी हमें हवा मिलती है जो कि हमारे विंटर में बहुत काम आती है हमारे मिरर्स को डीफॉग करने के लिए। राइट, तो ये कुछ मोड्स की बात होगी। उसके बाद आता है ऑटो का बटन, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा, और इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही पूरा इस पर बेसिकली डिपेंड करता है। उसके बाद ऑफ का बटन है जिससे हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, राइट, उसके बाद अगर देखें तो एक बटन यहाँ पे हमें गिवन है जिसमें गाड़ी का सिंबल बना है और एयर इनटेक आउटलेट बना हुआ है। तो अगर हम इसे दबाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, मतलब ये कि ये गाड़ी के बाहर की एयर को यूज़ कर रहा है अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए। राइट, और अगर आप इसे प्रेस कर देंगे तो जो एक बार क्लाइमेट बन गया है उसको ये मेंटेन रखेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार थोड़ी सी, अगर मान लो गाड़ी का क्लाइमेट थोड़ा ज़्यादा वैसा है हॉट, तो एक बार आप बाहर की एयर लेके उसके बाद आप इसको दबा दें तो ये अच्छी प्रॉपर कूलिंग आपकी गाड़ी में प्रोड्यूस करेगा। राइट, उसके ऊपर आ जाए तो अगर हमें देखें तो यहाँ पे रेड कलर का बटन और एक ब्लू कलर का बटन है। राइट, तो ये जो चीज़ें हैं ये टेम्परेचर को हमारे सेट करने के लिए। अगर हम इस बटन की बात करें तो देखें आप, अगर यहाँ पे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। राइट, और अगर मैं इसमें बात करूँ तो हमें बलिनो फेसलिफ्ट वर्जन में जो हाई टेम्परेचर मिलता है वो है 32.5 का। राइट, 32.5 पे ये हाई हो जाता है। और अगर मैं लोवेस्ट टेम्परेचर की इसमें बात करूँ तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर भाई लोग इसमें आता है वो है, अगर आप देखें तो 18.5 का ये लो हो जाता है। राइट, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि ये जो चीज़ है ये आपको टेम्परेचर अप और लो करने के लिए है। राइट, उसके बाद अगर देखें तो आपको दो बटन मिल रहा है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। ये चीज़ ठंडियों में बहुत काम आती है, अभी जैसे कि विंटर चल रही है, जनवरी का मंथ चल रहा है। राइट, तो ये जो चीज़ है ये फ्रंट, अगर आप इसको दबा देंगे, राइट, अपने एसी ऑन कर रखा, फैन की स्पीड सेट कर रखी, इसको ऑन कर दिया, तो ये जो आपका जो विंडशील्ड जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ वीडियो में, ये विंडशील्ड से जो ये जो हमारा मिरर है उसको डिफॉग करने के लिए काम आता है। राइट, वैसे ही क्या होता है, हमारा सेम रियर का ऑप्शन गिवन है। राइट, तो रियर का अगर हम बटन दबाएंगे, जैसे ही हम इसको रियर का दबाएंगे, ये एक्चुअली इसके लिए मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जरा गाड़ी स्टार्ट करना यार, इसके लिए मैं गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रियर क्या होता है, रियर के जो मिरर में है उसमें वो होती है, राइट, कॉइल्स होती हैं जो कि गर्म होती हैं, तो वो तभी होती हैं जब हम गाड़ी को ऑन करेंगे। राइट, जैसे हम गाड़ी को ऑन करेंगे तो हम इस रियर फंक्शन को भी यूज़ कर पाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। राइट, अब हम जैसे रियर को दबाएंगे तो ये रियर का भी काम करेगा, जो हमारी पीछे की विंडशील्ड है उसको भी डिफॉग करने के लिए काम आएगा। तो ये फ्रंट रियर का आपको हो गया और बाकी आपको मैंने बता दिया। और ये जो हमारा छोटा सा एमआईडी, ये सारा चीज़ें हमें डिस्प्ले करता है, मतलब ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऑपरेट करने को मिल जाती है ईजिली। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ऑटो के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली देखो ये एक फीचर, यार मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो ये उतना खास भी नहीं है, लेकिन हाँ
सही है। देखो अगर मैं बात करूँ, एसी हमने ऑफ कर दिया राइट, ये हमारा एसी ऑफ हो गया राइट। अभी हमें क्या करना है, ऑटो पे सेट करना है। तो हम इससे देखो, ये हमने सेट किया, एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ फैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली सेट हो रही है राइट। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप ऑटो को प्रेस करेंगे तो गाड़ी क्या करेगा, जिस टेम्परेचर पे आपकी गाड़ी है ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे 21 पे है, तो उसी टेम्परेचर में ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली अपने फैन को स्पीड को मेंटेन करेगा और गाड़ी में एक प्रॉपर कूलिंग को या हीटिंग को जिस पे भी आप रखेंगे उसको आप मेंटेन करके ये आपको दे देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है। अब जैसे यहाँ पे 21 का टेम्परेचर है राइट, अब देखो यार कहीं कहीं पर ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अब जैसे सपोज यहाँ पे मेरे को अभी गाड़ी अभी दिन का टाइम है, जैसे कि आप टाइम देखें तो यहाँ पे 12:39 हो रहा है राइट। तो अभी प्रॉपर धूप हो रही है, धूप में इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, तो गाड़ी पड़ी है गर्म राइट। तो अभी 21 पे देखो इसने फैन की स्पीड तो कर ली 4, आवाज़ भी आ रही है वेंट से, लेकिन अभी उतनी प्रॉपर कूलिंग हो नहीं रही है, जिसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है लो करना पड़ेगा राइट। लेकिन यही इसमें डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा यार पर्सनली, कि देखो ऑटो तो दे दिया इन्होंने, लेकिन ऑटो में क्या होता है, सिर्फ जो आपकी फैन की स्पीड है ना, मतलब ये जो स्पीड है वही ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगी गाड़ी, लेकिन आपको टेम्परेचर ना मैनुअली सेट करना पड़ेगा। आप देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देख रहे हो, तो फैन की स्पीड जो है ना भाई, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो फैन की स्पीड है वही कंट्रोल करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिल पाएगा, उसको आपको मैनुअली वो करना पड़ेगा ऑपरेट राइट। तो बेसिक फंडा ये है कि ऑटो में आपका क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो मैनुअली सेट करना पड़ेगा, और जो फैन की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है सेंसर वाइज कि हाँ क्या होता है राइट। तो भाई लोग यही था देखो यार इस बलिनो 2020 फेसलिफ्ट वर्जन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और यार ये सिर्फ बलिनो के लिए नहीं है, जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, उन सब में फीचर यही होता है, सारे फीचर्स यही होते हैं, बस बटन के डिस्प्ले वगैरह कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन सारा काम सेम यही होता है। तो आप इससे जिस भाई लोग के पास कोई और गाड़ी भी है तो वो उससे भी ऑपरेट इसको आराम से ईजिली कर सकते हैं राइट। और दोस्तों यार एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप देना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपके लिए ये प्रो टिप हो गई कि देखो यार मेरे हिसाब से ना, अगर गाड़ी आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसके बाद आप अपनी कूलिंग अपने हिसाब से देख लो, लेकिन जब थोड़ी गाड़ी आप रनिंग में हो जाए ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप इसमें 22.5 का जो टेम्परेचर है वो सेट करें और एसी को चलने दे। मैं बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी कूलिंग, क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम बलेनो का इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना बढ़िया इसमें एसी है कि आपको 22.5 पे एक अच्छी कूलिंग देता है और जो आपका एवरेज है, जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी बहुत अच्छा रहता है राइट। तो ये चीज़ हो गई इसमें। और बाकी अगर इसमें एक क्वेश्चन मेरे को ये भी आ रहा था यार कि भाई इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में हीटर कैसे ऑन करते हैं, तो भाई लोगों अगर आपको उसके भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्द ही उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में हीटर को कैसे ऑन करते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों को भी आपको लगता है कि इनके पास ऑटोमेटिक कंट्रोल की गाड़ियां हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर्स में ऐसे ही बलिनो से रिलेटेड और भी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो जब मैं अपलोड करूँ और मज़ेदार व्लॉग्स जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भाई लोग थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहे हमारे चैनल पर, सपोर्ट करते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।